हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण दोस्तों, आप देख रहे हैं रंजन टेक चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस हैप्पी न्यू ईयर के अवसर पे एक अच्छा सा विशिंग बैनर पोस्टर कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्त, आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो बताने वाला है आप मिनटों में एक पोस्टर बना पाएंगे। अगर आपको फोटो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आता है तो दोस्त, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही आसान टिप्स मैं देने वाला हूँ, जहाँ से कि आप अपने लिए एक अच्छा सा विशिंग बैनर बना पाएंगे हैप्पी न्यू ईयर का। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। तो दोस्त, आप देख पा रहे हैं मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हैप्पी न्यू ईयर के लिए एक अच्छा सा बैनर बनाने के लिए। जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके सामने जो बैनर दिख रहा है ऐसा ही बैनर बनाना मैं आपको बताऊंगा। बस मिनटों में मैं आपको दोस्त बता दूंगा कि ये बैनर बनता कैसे है। सबसे पहले आपको दोस्त अपने को एक टेम्पलेट की आवश्यकता पड़ेगी, जिस टेम्पलेट को मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्त अपने को पिक्सआर्ट का एप्लीकेशन होना चाहिए, कोई भी फोटो एडिटर आपके पास एप्लीकेशन है तो सेम उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो दोस्त यहाँ पे एक मैं आपको टेम्पलेट दूंगा, यही टेम्पलेट मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि बना बनाया टेम्पलेट मैं आपके लिए बना के रखा हूँ। सिंपल सा आपको यहाँ पे फोटो ऐड करना है और अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। तो यह टेम्पलेट आपको डाउनलोड करने के लिए मैं बता देता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्त आपको क्या करना है कि अपना यहाँ पे फोटो, जो भी फोटो हो आप यहाँ पे लगा लीजिए। ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल में जहाँ भी फोटो होगा आप वहाँ से फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास अगर पीएनजी में फोटो आया तो बहुत अच्छा है, पीएनजी में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पीएनजी में पहले से फोटो मैंने बना के रखा है। दोस्त आप देख पा रहे हैं मैं अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से। अगर आपके पास पीएनजी में फोटो नहीं है तो दोस्त आप पीएनजी में फोटो बना कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो फोटो है उसी फोटो को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर जैसे ही दोस्त आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना नाम टाइप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी भाषा में करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मैंने यहाँ पे हिंदी में कर लिया है। अब इस टेक्स्ट को क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे इसे कलर दे देते हैं कि दिखे। अब यहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद स्टॉक कलर है, अब यहाँ पे आप जो भी स्टॉक कलर देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद शेडो है, शेडो देने के बाद आपको दोस्त यहाँ पे पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट का शेडो दे सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका फोटो तैयार हो जाए तो आपको दोस्त यहाँ पे सिंपल सा इस फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए दोस्त आपको यहाँ पे सही के निशान पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे तीर के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गैलरी में इस फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्त आप इस तरह से बहुत ही आसानी से अपना हैप्पी न्यू ईयर का बैनर, विशिंग बैनर बना सकते हैं, और आप उसे व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी आप उसे शेयर कर सकते हैं, स्टेटस में लगा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।